तक जो है वो अगर जागरूक हो गया तो देखिए ये बिल्डिंग बहुत समय से हमारे विभाग के पास है जिसमें नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहले चलता था। यहाँ पर पेशेंट्स देखे जाते थे, मरीज भर्ती भी होते थे। उसके बाद नई बिल्डिंग गोमती नगर में बन गई, यहाँ जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय आ गया, एक ओपीडी अभी बराबर में चल रही है, फार्मा संघ का आप देख सकते हैं ऊपर ऑफिस का बोर्ड लगा है, हमारे खुद संवर्ग का ऑफिस का साइड में बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन बिल्डिंग थोड़ा जर्जर हो गई है, पर असल बात यह है कि इसका नगर निगम में पैसा जमा नहीं होने के कारण इसे सील किया गया है दोबारा। और जो मैं समझ पा रहा हूं, चूंकि ये कैसरबाग एरिया में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ज़मीन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कोई भू माफिया है जो अधिकारियों की मिली भगत से इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसीलिए इस बिल्डिंग को बार बार सील किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में